हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी चंदोशी। ये बीई सेकंड, बेसिक इंजीनियरिंग सेकंड का ये एक टॉपिक आज लेके आए हैं, जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको क्या है, किसी एसी सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस का बिहेवियर देखना है कि बिहेवियर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक के लिए। हमने एक रेजिस्टेंस लिया है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाया है। ठीक है, ये वोल्टेज लगाया, वोल्टेज का इक्वेशन आपको पता है, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये लगाया हुआ है, ये जब लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी और करंट जब फ्लो होगी, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का बिहेवियर क्या होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, हमको इसकी एनालिसिस करनी है। तो यहां पर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या है, एसी, ठीक है, कोई वोल्टेज लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू है बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जैसी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करंट आपको पता है कि ये आपके इस तरह से फ्लो होती है एसी। ठीक है, ये सिंबल आपको बता रहा है कि ये पहला पॉजिटिव साइकिल है। ठीक है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से ये इसी ओर फ्लो होगी जिधर पॉजिटिव साइकिल होगी। ठीक है, अगर हम सिंबल सपोज डेट कुछ इस तरह से लगा देते हैं तो ये डायरेक्शन, यानी पहले हमारे लिए नेगेटिव साइकिल मिल रही है तो उल्टी फ्लो होगी। ये चलो छोड़िए, हम बस केवल स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल होता है वो हम यही स्टैंडर्ड याद रखेंगे, इसी को मतलब यहाँ पर नोट किया जाता है मोस्टली। तो यहाँ पर ये करंट को हमने दिखाया है और जब करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और उस वोल्टेज के लिए हमने मान लिया है बी और सपेक्स में आर। ठीक है, आर इसलिए बता दिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, तो ये सर्किट समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो गूगल मीट पे पढ़ाया था, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। तो हम ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में। तो यहाँ पर हमने लिखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज को हमने इंस्टेंटेनियस ये वोल्टेज अप्लाई किए। ठीक है, तो ये वोल्टेज की इक्वेशन हमने यहां लिख ली, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वोल्टेज मैंने सर्किट में अप्लाई कर दी। अब इस करंट जो फ्लो हो रही है, ठीक है, मैं चेक करूंगा कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या है। ठीक है, वोल्टेज हम इस सर्किट में एसी वोल्टेज अप्लाई कर दी, जो करंट फ्लो होगी वो भी एसी नेचर की होगी। ठीक है, और उस एसी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इस ओवरऑल सर्किट में कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करनी है। हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई किया है तो इंस्टेंटेनियस करंट हमको तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस को बोलते हैं तात्क्षणिक, यानी धारा का तात्क्षणिक मान हमको ज्ञात करना है। ये वोल्टेज का तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक मान मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था, तात्क्षणिक मान के लिए बताया था कि ये जो है इस तरह से इसका बिहेवियर होता है। वोल्टेज या करंट कुछ भी हम इस एक्सेस पे ले सकते हैं। तो यहां से जब ये करंट फ्लो होगी, ठीक है, यह ओमेगा टी, तो करंट मतलब किसी भी पोजीशन पे, यहां चूंकि बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है इस पॉइंट पर, यहां पर ये इसकी वैल्यू होगी वोल्टेज की, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ये होगा, यहां पर इस इंस्टेंस पर ये होगा, इस क्षण पर ये इसकी वैल्यू होगी वोल्टेज की, इस क्षण पर ये वैल्यू होगी वोल्टेज की, यानी ये मैग्नीट्यूड होगा, यहां पर ये मैग्नीट्यूड होगा, यहां जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको समझ में आ गया कि तात्क्षणिक मान, क्योंकि ये जो एसी होती है वो प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक समय पर अपने मैग्नीट्यूड के लिए चेंज करती है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इस सर्किट में, और फाइंड क्या करना है हमें, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट, इंस्टेंटेनियस करंट हमको फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे जो मेरे पास है, बी इक्वल टू, ठीक है, बी एम साइन ओमेगा टी। इस समीकरण में मैं दोनों ओर अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ मैं कर रहा हूं, तो यही मैंने किया है। नेक्स्ट मेरा जो लाइन है इस पे मैंने क्या किया है, मैंने आर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो वोल्टेज की है उसके दोनों तरफ, ठीक है, इस इक्वेशन की दोनों तरफ आर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर जब डिवाइड कर दिया है तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर हम ओम्स लॉ सभी जानते हैं कि ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, यानी हमारे पास होता है आई इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ से, यानी बी इक्वल टू आई आर से हम ले लेंगे।
ठीक है, क्योंकि होता है बी इक्वल टू आई आर, और यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा बी अपॉन आर, है ना। तो बी अपॉन आर के लिए मैं आई लिख सकता हूं ना, तो यहां पर मैंने लिख लिया बी अपॉन आर के लिए आई लिख दिया, ठीक है, और ये एज इट इज रख दिया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दो मैंने मान लिया। अब यहां देखते हैं कि यहां पर जो करंट मैंने, देखिए वोल्टेज से स्टार्ट किया, वोल्टेज से स्टार्ट किया और मैं करंट पे आ गया, क्योंकि मुझे करंट ही फाइंड करनी है इसमें। ये देखना है कि वोल्टेज सोर्स मैंने अप्लाई किया है, ये वोल्टेज मैंने जो अप्लाई किया है, और इसमें जो करंट फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस में, तो उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा है कि वैल्यू क्या है। तो हमने ये निकाली कि ये हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको समीकरण नंबर दो मान लिया। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो समीकरण है करंट वाली, इस करंट का मैक्सिमम मान क्या होगा, यानी अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान के लिए देखिए, अधिकतम मान कब होता है, जब कोई भी करंट या वोल्टेज इस तरह से चलती है, तो अधिकतम मान इस पोजीशन पर होता है, यहां से जीरो से ये होता है पाई, इस वाला पॉइंट यहां से यहां तक किया होता है पाई, है ना। और इसके बीच में अगर बात करें तो यह इस पॉइंट पर ये होता है पाई बाई टू, है ना, नब्बे अंश। यहां पर क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है करंट का, ठीक है। ये सी को हमने बताया था आपके लिए, ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू कहलाती है। अगर ये वोल्टेज है तो, या फिर करंट है, करंट है तो ये वोल्टेज है तो बी एम हो जाएगा, और करंट है तो आई एम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो करंट की वैल्यू है मैक्सिमम कब हो रही है, मैक्सिमम हो रही है पाई बाई टू पे। तो यहां पर हमने कहा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इसमें हमें निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब होगी, जब ये साइन ओमेगा की वैल्यू, ये जो साइन ओमेगा है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, ठीक है। और वन होने के लिए देखिए, यहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर वन हो जाए तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम होने के लिए, ठीक है, मैंने कहा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर वन हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू हो, यानी थीटा बराबर ओमेगा, मान लिया है थीटा, नहीं मानना चाहो तो हटा दो इसको, ठीक है, यानी ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू। अगर यहां पर पाई बाई टू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पाई बाई टू पे होती है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई टू होगी, ठीक है, ओमेगा टी बराबर पाई बाई टू, है ना। जब ये पाई बाई टू मैं इस इक्वेशन में अगर रखूंगा तो ये मेरे पास वन हो जाएगा, और बचेगा क्या मेरे पास, जो बचेगा मैंने एरो से यहां पर बताया हुआ है, ये जो वैल्यू आई, और आई ना होकर आई एम हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, पाई बाई टू। और जब यहां पर पाई बाई टू रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, और वन हो जाएगा तो अब ये वैल्यू जो है ये आई ना होकर ये आई एम हो गई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास बचेगा क्या, आई एम बराबर, ठीक है, बी एम अपॉन आर। ये समीकरण नंबर तीन मैंने मान ली, ठीक है। यहां पर आप एक बार फिर से आई इक्वल टू मेरे पास है बी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या लगा रहा हूं, पाई बाई टू। जैसे ही मैं पाई बाई टू यहां पर लगाऊंगा तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर यहां पर कुछ और लगाऊंगा, ठीक है, यहां पर अगर मैं पाई लगा दूं तो जीरो हो जाएगा, पाई लगा दूं तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है, जीरो पर भी जीरो, पाई पर जीरो, टू पाई पर जीरो। अगर यहां पाई रखता हूं तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे ये रखना पड़ेगा, तो ये आई ना होकर अब आई एम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आई एम हो गया तो मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास समीकरण नंबर तीन मैंने मान ली, ठीक है। अब देखिए, ये मेरे पास समीकरण नंबर तीन आ गई, तो अब यहां पर इस समीकरण नंबर तीन है यहां पर, ठीक है, और ये समीकरण नंबर दो, ये समीकरण नंबर वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण दो बा तीन से, ठीक है, सेकंड ये है मेरे पास और थ्री ये है, ठीक है, टू बा थ्री से, ठीक है, टू बा थ्री से अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास मुझे क्या मिलेगा। देखिए यहां पर समीकरण नंबर टू और थ्री के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, कह सकता हूं कि समीकरण नंबर तीन का मान समीकरण नंबर दो में रख रहा हूं, ठीक है, समीकरण दो और तीन से। तो देखिए यहां पर, देखिए मैं यहां बता रहा हूं, फिर से रख रहा हूं आई बराबर, ठीक है, देखिए बी एम अपॉन आर, बी एम अपॉन आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आई एम, यहां पर लिखूंगा आई एम और साइन ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है, मैं ये समीकरण पे आ गया, ठीक है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। समीकरण दो व तीन से मैंने यहां पर लिखा है, समीकरण दो मेरे पास जो है वो ये है, और समीकरण तीन मेरे पास जो है वो ये है,
ठीक है। तो तीन का मान यानी bm अपॉन r की जगह पे im रखना चाहता हूं, तो i बराबर क्या मुझे मिलेगा, i बराबर im sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 4। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो पाई बाई टू पे मैंने देखना चाह रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि वोल्टेज और करंट में मैं कंपेरेटिव स्टडी करना चाह रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट में जो एसी रेजिस्टिव सर्किट लिए है उसमें वोल्टेज और करंट की कंपेरेटिव स्टडी यानी कंपेयर करना चाह रहा हूं मैं। तो कंपेयर करने के लिए मैंने यहां पर इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मेरे पास वोल्टेज की इक्वेशन थी उसी फॉर्म में मैंने करंट की इक्वेशन को ले लिया। अब यहां पर समीकरण 1 व 4 की तुलनात्मक अध्ययन से हमको ये पता लग रहा है, समीकरण 1 और 4, ठीक है, इन दोनों की अगर कंपेयर करें तो कंपेयर हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहां वोल्टेज है, यहां करंट है, यह मैक्सिमम वोल्टेज है, यह मैक्सिमम करंट है, यहां साइन है, यह साइन है, यह ओमेगा टी है, ओमेगा टी है। मतलब हम देख रहे हैं कि दोनों में स्टडी किसकी कर रहे हैं, फेज की, ठीक है। हम फेज के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो फेज हमारे पास क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेज मेरे पास क्या कहलाता है। चलिए ठीक है, समीकरण नंबर मैं दोनों यहां पर फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए बी बराबर बी एम, चलिए यह यहां पर लिखी हुई है, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। यहां पर मैं साइन की एक इक्वेशन और लिख ले रहा हूं, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 जो आई है ना, इक्वेशन नंबर 4 वो क्या है, आई बराबर आई एम, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास समीकरण आ गई। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये फेज कहलाती है, फेज, और ये क्या है, फेज। तो मैं इस सर्किट में ये देख रहा हूं कि जो मैंने वोल्टेज अप्लाई की थी उसका फेज जो है, और जो करंट मैंने फाइंड की उसका फेज, दोनों का फेज क्या है, सेम है। फेज सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिव सर्किट है उस रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं कि फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी से हमको ज्ञात हो रहा है, समीकरण नंबर 1 और 4 की कंपेरेटिव स्टडी से ये पता लग रहा है कि यहां पर जो हमारे पास करंट और वोल्टेज है उसका फेज क्या है, फेज डिफरेंस। यानी फेज डिफरेंस के लिए मैं फाई से डिनोट करता हूं, फाई क्या बताता है, फेज के लिए, ठीक है, डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर इसके लिए मैं कहूं ये ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी के लिए मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए फाई वन है, ठीक है, फाई वन, ठीक है, ओमेगा टी, इस वाली इक्वेशन में ये क्या है, फाई वन है, और जो करंट का फेज था उसको मैं कह दूं फाई टू, ठीक है, यानी फाई टू बराबर ओमेगा टी। अब मैं यहां पर डेल्टा फाई निकालना चाहूं तो डेल्टा फाई मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन माइनस फाई टू, वो मुझे क्या मिलेगा, यानी 0 मिलेगा, यानी फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो हमने यहां कंपेयर करा लिया कि जो वोल्टेज थी, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो अप्लाई की थी सर्किट में वो हमारे पास क्या थी, v इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, और करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने पता की वो हमारे पास क्या है, i बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन 4। दोनों की हमने कंपेरेटिव स्टडी की तो हमको ये पता लगा कि इक्वेशन देखने में सेम है, ठीक है, इनके फेज जो है वो क्या है, सेम है, सेम फेज है, और फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, मतलब कोई भी फेज में डिफरेंस नहीं है। तो हम यहां पर इस जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन का हम यहां पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें तो हम देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि फेज क्या है, कौन कौन से फेज में कौन कौन सी इक्वेशन चल रही हैं। तो उसे फेज देखने के लिए हम यहां पर कह सकते हैं, ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि जो मेरे पास डायग्राम है, ठीक है, वेव का, ये दोनों का देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये, ठीक है, यह क्या है, ओमेगा टी, ठीक है, इस अक्ष पे ओमेगा टी, और इस पर मैं क्या ले रहा हूं, दोनों एक साथ वोल्टेज और करंट है ना, वोल्टेज और करंट। तो मैंने क्या अप्लाई किया, क्या क्या किया था, वोल्टेज। तो वोल्टेज मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह से ये है, इस सर्किट में वोल्टेज का चलने का बिहेवियर वो इस तरह से होगा, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया ये, ठीक है, एक जैसा यूनिफॉर्म दिखना चाहिए लेकिन मैं नहीं बना पाया अभी, कोई बात नहीं, ये इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास वेव फॉर्म मैंने बना दी, और ये वेव फॉर्म किसकी है, वोल्टेज की, ठीक है, ये मैंने वोल्टेज की, यानी बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। अब मुझे करंट निकालना है, ठीक है भाई, करंट की वेब फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो करंट की वेब फॉर्म मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करूंगा। देखिए ये मेरे पास क्या, करंट भी सेम ही फेज में चलेगी,
जहां वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है वहां करंट मैक्सिमम होगी, और जहां करंट मैक्सिमम हो रही है वहां वोल्टेज मैक्सिमम होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये मेरे पास हो गई आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी सर्किट में सेम मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई की है, क्योंकि यहां पर कुछ ड्रॉपेज हो रहे हैं इसमें, तो सेम मैग्नीट्यूड तो नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ इसमें लॉसेस के कारण, वो चीज नहीं, हम सिर्फ यहां ध्यान देंगे कि मेरे पास इस यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है पाई बाई टू पे, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, यहाँ थ्री पाई है, ये पाई बाई टू। ठीक है, तो पाई बाई टू पे वोल्टेज मैक्सिमम हुई, करंट भी मैक्सिमम हो रही है, यानी दोनों एक ही सेम फेज में है, और जहां पर वोल्टेज जीरो हो रही है वहां करंट भी जीरो हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेव इक्वेशन, यानी ये हमारे पास क्या लगी, वेव इक्वेशन। ठीक है, ये वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, निकाल लिया ये रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर निकालूंगा क्या, यहां पर इसका फेज देखता हूं। ठीक है, फेज देखता हूं, तो फेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर सिंपली देखिए फेज ड्रॉप कैसे करते हैं, फेजर डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फेजर डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम या फेजर, ठीक है, फेजर भी लिखते हैं, फेज भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम के लिए हमें करना क्या, हमको फेज में निकालना है, करंट और वोल्टेज के बीच फेज देखना है कि फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। तो हमने यहां पर क्या किया है भाई, ठीक है, हमने यहां पर ये जो है इस एक्सिस पर हमने क्या किया, वोल्टेज को ले लिया। ठीक है, वोल्टेज को ले लिया कि वोल्टेज ये है। ठीक है, और करंट की अगर बात करें तो करंट भी क्या, जिस तरह से वोल्टेज चल रही है उसी फेज में करंट चल रही है ये। ठीक है, सेम फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस होता तो वो हम आगे देखेंगे कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में। ठीक है, ये करंट वोल्टेज से आगे चलती है कहीं पीछे चलती है वो एक अलग की बात है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या है, ये करंट बता दी और ये वोल्टेज, तो ये फेजर डायग्राम हमारे पास हो गया करंट और वोल्टेज का इस सर्किट के अंदर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर ये फेजर डायग्राम इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हमने फेजर डायग्राम कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद अगर हम देखना चाहें, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसकी पावर के लिए कैलकुलेट करेंगे पावर। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो भाई ठीक है, पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर। ठीक है, यानी पावर निकालते हैं, पावर किसका निकाल रहे हैं, हम एसी सर्किट जो है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी पावर निकालते हैं। ठीक है, तो पावर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पी बराबर बी गुणे आई। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे। अब यहां पर हमें क्या है, यहां हम वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी एम साइन ओमेगा टी, ये हमने अप्लाई की थी, जो भी वोल्टेज अप्लाई की थी वो वोल्टेज हमने यहां पर लगा दी गुणे। ठीक है, हमें करंट, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई थी वो आई एम साइन ओमेगा टी, करंट एंड वोल्टेज दोनों हमने क्या है यहां पर गुणा कर दी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, यहां हमारे पास हो जाएगा बी एम आई एम, ठीक है, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब यहां पर हमको करना क्या है, देखिए बी एम आई एम, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए हम ब्रेक कर ले रहे हैं। ठीक है, साइन ओमेगा टी के लिए हम ब्रेक कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए। देखिए अभी आपको समझ आया क्यों ब्रेक कर रहे हैं, तो हम इसको लिख ले रहे हैं क्या, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, नहीं ये फार्मूला, हाँ सही है, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, तो डिवाइडेड बाई हमने ये टू कर लिया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बी एम, ठीक है, आई एम डिवाइडेड बाई टू माइनस, ठीक है, बी एम आई एम, ठीक है, बी एम आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, बी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू कॉस टू ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए हम जो है पावर तो निकाल रहे हैं, लेकिन पावर निकाल कैसे रहे हैं, तो हम पावर निकाल रहे हैं एक पूर्ण चक्र के लिए एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर कैसी, यानी यहां पर देखिए आप करंट और वोल्टेज जो चल रही थी ना वो इस तरह से। ठीक है, हमको पावर कैलकुलेट करना है हाफ साइकिल ये और हाफ साइकिल ये, यानी पूरी साइकिल के लिए,
यानी यहां से हमारे पास जीरो, ये पाई, यहां पर ये हो गया टू पाई, ठीक है। तो पूरे चक्कर के लिए यानी यहां से यहां तक के लिए, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, एवरेज पावर ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एवरेज एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या है पावर कैलकुलेट इसकी कर रहे हैं। अब पावर कैलकुलेट हमें वन कंप्लीट साइकिल के लिए करना है, तो हम सबसे पहले यहां पर देखिए, तो हमारे पास पावर जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टू पाई के लिए। ये पावर कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए यहां तो हम करेंगे नहीं इंटीग्रेट, यहां तो हम सिंपल लिखेंगे बी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि यहां ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई टू, ये हमारे पास कांस्टेंट है बी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू, और ये जो वेरिएबल है जीरो से टू पाई है ना, ये कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है, और डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी एवरेज पावर निकालनी है हमें वन कंप्लीट साइकिल के लिए यहां से यहां तक, है ना। तो यहां पर चूंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है कॉस टू ओमेगा टी, है ना, तो यहां पर वेरिएबल क्या है ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या हो रहा है वेरी हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो पावर बनेगी हमारे पास वो क्या होगी, यानी बी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, और ये जो पावर है ना इसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे कॉस के लिए, ठीक है, कॉस टू ओमेगा टी के लिए, तो ये इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी जीरो आएगी, ठीक है, ये क्या आएगी जीरो आएगी। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, इधर की टर्म्स जीरो मिल जाएगी, बस हमारे पास पावर ये आ गई, पावर मेरे पास ये आ गई, और इस पावर के लिए देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पावर जो आ गई हमारे पास निकल कर, इंटीग्रेशन आप करते रहना, लेकिन हमें करना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉस टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई के लिए इंटीग्रेट जीरो से टू पाई करते हैं तो जीरो वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो यहां पर जो पी का वैल्यू आई वो पी बराबर हमारे पास क्या हो गई बी एम, ठीक है, गुणे आई एम, इसके लिए मैं थोड़ा स्टाइल में लिख ले रहा हूं, इसके लिए ब्रेक कर दे रहा हूं, यानी अंडर रूट टू और अंडर रूट टू, अंडर रूट टू अंडर रूट टू की गुणा करेंगे तो हमारे पास टू मिलेगा, इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, ठीक है, ब्रेक कर दे रहा हूं। और ये जो वैल्यू है पी बराबर, इसी को हम बोलते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसके लिए यहां लिखते हैं हम बी, ठीक है, आर एम एस बी, ये आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको बोलते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, और गुणे ये करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी आर एम एस। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, लेकिन फिलहाल यहां पर हमको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है कि जो भी एसी होती है ना, तो एसी की हम क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। मैंने एसी और डीसी में आपको जब डिफरेंस पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो एसी और डीसी, डीसी में हम क्या लेते हैं एवरेज वैल्यू, और यहां क्या लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट करना बताएंगे, वो आपके लिए अलग से टॉपिक है। तो हमको करना क्या है, हमने क्या है किसी रजिस्टिव सर्किट में, है ना, रजिस्टिव सर्किट में क्या क्या चीज के लिए देखा, ये देखा कि उसमें हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया तो करंट का देखा कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमने निकाला, ठीक है, और निकालने के बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो करंट की आई हमारे पास फाइनली उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने निकाल के कंपेयर कराया कि जो वोल्टेज सोर्स है वो करंट सोर्स के साथ किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा कि जो करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस है उनमें कंपेरेटिव स्टडी की तो देखा कि सेम है, मतलब उनका फेज डिफरेंस जो है वो क्या है जीरो है, इसका मतलब वो दोनों सेम फेज में चलेंगी। तो उसका हमने वेव डायग्राम ड्रॉ करके देखा कि कैसे इसका वेव डायग्राम बन पा रहा है, ठीक है, और उसका हमने फेजर डायग्राम निकाला, फेजर डायग्राम किस तरह से है। देन उसमें हमने पावर के लिए कैलकुलेट किया कि पावर किस तरह से निकालते हैं, तो पावर हमें याद रखना है कि एसी जो होती है ना उसकी पावर क्या होती है पी इक्वल टू बी आर एम एस गुणे आई आर एम एस, ये किसके लिए रजिस्टिव सर्किट के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।